हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन CoF6 3- 3- इज, एंड द ऑप्शंस आर A2 B3 C4 D0। तो हमें बताना है CoF6 3- में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वहां से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट CoF6 3-। तो यहाँ पे कोबाल्ट की लेट कर लेते हैं एक्स, फ्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, तो -6 फ्लोरीन है तो -6, ओवरऑल चार्ज है -3, एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो मतलब अब कोबाल्ट का जो एटोमिक नंबर होता है दैट इज 27। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगी, आर्गन 3d7 4s2 4p0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 4p0 एंड ऑल्सो 4d भी यहाँ पे जीरो होंगे, 4d में भी जीरो इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट +3 है यहाँ पर हमारे पास, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। अब हम इसको अगर ड्रॉ करें तो दिस इज आवर डी, यहाँ पे हम डी ऑर्बिटल ले लेते हैं, D6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। ओके, अब क्या करेगा, CoF फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पर, तो इस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, कोई भी पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। सो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल पी एंड डी में डोनेट कर देगा, 1 2 3 फ्लोरीन, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई यहां से, sp3d2। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर ये जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या रह गए हमारे, अनपेयर्ड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है, यहां पर पेयरिंग ये नहीं करा पाएगा। सो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आ गए, 4। So the final answer for this question will be option C. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.